हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे कार्बन कंपाउंड्स चैप्टर का हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो आप सबका स्वागत है ई लर्निंग सेशन ऑफ सिटी क्लासेस में। तो आज हम देखते हैं दैट इज नाउ द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब तो सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स मीन्स क्या। द हाई कंपाउंड्स विच कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऐसे कंपाउंड्स जहाँ पे सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली दो एलिमेंट्स हो तब उसे कहा जाता है हाइड्रोकार्बन्स। यस गुड। देन हाइड्रोकार्बन्स आर द सिंपलेस्ट एंड फंडामेंटल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बहुत ही सिंपलिस्टिक फॉर्म होता है। द स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन होता है मेथेन, दैट इज फॉर्मूला इज CH4, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH4, में सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन होता है मीथेन, फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वन कार्बन एंड फोर हाइड्रोजन एटम्स। इसी तरीके से उसके बाद नेक्स्ट होता है जैसे इथेन, इथेन इज वन मोर हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन एंड इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज C2H6। अब C2H6 जैसे ईथेन का देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर C2H6 है तो हम इसे किस तरीके से लिखते हैं। जैसे देखिए जो स्टेप नंबर वन, अगर दो कार्बन कंपाउंड्स में सिंगल बॉन्ड्स हो तो उसे कहा जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो सिंगल दो कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड से अटैच हो तो क्या कहेंगे हम इसे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जॉइन दिस टू कार्बन एटम्स विद सिंगल बॉन्ड, अब उसके बाद सिक्स हाइड्रोजन है तो पूरे सी में दो सिक्स में दो सी हम जो कार्बन लिए हैं उसके अटैच कर दीजिए हाइड्रोजन, 3-3 एंड इट्स गेट द C2H6। ऑल कार्बन का जो एटम्स थे उन्होंने अपने वैलेंसी जो है सेटिस्फाइड कर लिए है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब जैसे कार्बन में हमने फोर हाइड्रोजन देखिए 3 है साइड में और बीच में कार्बन कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड से अटैच है, इसलिए वहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन डॉट डाल दिए और दोनों कार्बन के बीच में 3-3 हाइड्रोजन है। इसी तरीके से हम डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन और डॉट स्ट्रक्चर दोनों का अटैचमेंट करते, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने दिया है मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसी तरीके से अगर हमने इलेथेन का निकाला तो क्या हम इसके बाद का होता है थर्ड वन इज मीथेन, इथेन, देन इट इज अ थर्ड वन इज प्रोपेन, प्रोपेन का निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है प्रोपेन का? यस, प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C3H8। तो क्या करेंगे हम, थ्री कार्बन निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे उसके प्लेस कर देंगे तीनों कार्बन किसमें, 8 हाइड्रोजन। तो इथेन प्रोपेन ये जो हमें दिख रहे हैं इसके वैलेंसीज आइटम जो सेटिस्फाइड करते हैं सिंगल बॉन्ड से, और ऐसे कंपाउंड्स को ही कहा जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जैसे इथेन प्रोपेन ये जो है सब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन लगा में इट इज नाउ द अल्केन, क्या कहते हैं इसे, अल्केन। There are the two more hydrocarbons that contains the carbon atom, namely ethene and ethyne. अब ये भी देखे दो हाइड्रो और कार्बन हाइड्रोन के बारे में, जहाँ पे इथेन निका इथेन का ही ट्रांसफॉर्मिंग हो जाता है जैसे कि इथीन, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा इथाइन में, जैसे ट्रिपल बॉन्ड अगर हो तो जैसे इसका स्ट्रक्चर देख लेते ताकि आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हमेशा क्या होता है, दो कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड से अटैच हो तो सैचुरेटेड कहते हैं, मगर हम देख रहे हैं सेल कार्बन की जो बैलेंस ये इथीन में, इथीन की फॉर्मूला होता है C2H4। अब इथीन में C2H4 और दो कार्बन है, अब इसे सिंगल बॉन्ड से अटैच करेंगे या नहीं करेंगे वो बाद में देखते हैं। तो उसको हाइड्रोजन कर देते हैं पहले, फोर हाइड्रोजन प्लेस कर दिए। अब कार्बन की जो वैलेंसी होती है दैट इज नाउ द टेट्रा वैलेंसी होती है। अब टेट्रा वैलेंसी हो तो इट अपीयर्स एट वन वैलेंसी ऑफ ईच ऑफ द टू कार्बन एटम इज नॉट सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, एक एक ब्लैंक आ रहा है, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, तो बीच में एक हाइड्रोजन होना चाहिए वो नहीं है, तो वो हाइड्रोजन की प्लेसमेंट कहा जाएगी कार्बन कार्बन के बीच। तो एक एक वैलेंसी उनकी जो सेटिस्फाइड नहीं हो
रही, इसलिए दो कार्बन के बीच में हम लगाएंगे डबल बॉन्ड। और जहां पर डबल बॉन्ड लगाते हैं या ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं तो उन्हें कहते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। डबल बॉन्ड हो तो क्या कहते हैं हम उसे, अल्कीन। अब जैसे इथेन का फॉर्मूला हो तो इथेन, प्रोपेन हो तो प्रोपेन, ये चेंजेस हो जाएंगे। ई एन ई जो है सफिक्स लगेगा इस फॉर्म में डबल बॉन्ड में। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी किस तरीके से होगा, तो दो हाइड्रो, दो कार्बन के बीच में दो, हम दो दो मीन्स फोर हाइड्रोजन आ गए हैं, टू कार्बन के प्लेस में हमने फोर हाइड्रोजन प्लेस कर दिए, लेकिन इनके बीच में एक वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, इसलिए दो कार्बन के बीच में दो दो डॉट्स मीन्स फोर डॉट्स आ जाएंगे, दैट इज अ डबल बॉन्ड। इस तरीके से ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, एथेन का फॉर्म। द कार्बन कंपाउंड्स हैविंग दिस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन दिस टू कार्बन एटम्स आर कॉल्ड द अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन समझ गया, जिसके दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को कहा जाता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इथीन, इथाइन, ये दोनों भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। मोस्टली द अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेन्स अ कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड द अल्कीन्स। इथीन का तो अल्कीन्स। और अगर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो स्ट्रक्चर कंटेन्स कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तीन बॉन्ड अगर हो तो उनके कहते हैं अल्काइंस। इथेन का स्ट्रक्चर था तो इथीन, इथाइन का, लेकिन मेन जो जनरल फॉर्मूला होता है अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, इस तरीके से होता है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड हो तो अल्कीन कहते हैं, डबल हो तो अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड दो कार्बन के बीच में हो तो उसे कहा जाता है अल्काइन। ये तीनों भी क्या हो गए, जनरल। अब इथेन का हो तो इथेन का उस तरीके से चेंज होगा, प्रोपेन हो तो प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन। ब्यूटेन, ब्यूटेन में चार कार्बन होते हैं, दो चार कार्बन की फोर कार्बन की लिंकिंग होती है, तो उसे हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन। तो इस तरीके से ही हमारा स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। अब देखते हैं जैसे स्ट्रेट चेंज, ब्रांच चेंज या रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से स्ट्रक्चर में हम ड्रॉ कर सकते हैं स्ट्रेट ब्रांच या फिर रिंग स्ट्रक्चर। अब जैसे कि स्ट्रेट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में आप देखिए टू पॉसिबल कार्बन एटम्स, नाउ द फोर कार्बन, अगर यहाँ पे तो एक तो हम जिगजैग पैटर्न में, एक तो स्ट्रेट में कर सकते हैं या फिर जिगजैगली जैसे हम डायग्राम में देख रहे हैं टू पॉसिबल कार्बन एटम्स, या दो स्टेज हमें हो सकती है, या बीच में कार्बन एंड देन रिमेनिंग इज अटैच इट नाउ, अगर या फिर टू स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ C4H10। C4H10 के फॉर्मूलेस किस तरीके से हम समझें, एक तो स्ट्रेट कर दिए हैं चार पूरे जो कार्बन है वो हमारे सिंगल लाइन में आ गए, उसके बाद C4H10 H हाइड्रोजन हमने रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे वैलेंसी पूरी फिक्स हो रही है और सिंगल वैलेंस ये है, तो इसलिए यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड आ जाएगा सिक्स अब केस में टेट्रावेलेंट जो है कार्बन ये सेटिस्फाइड कर रहा है हर एक हाइड्रोजन को, इसलिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा एंड देन इट्स स्ट्रेट स्ट्रक्चर। अब उसके बाद देखते हैं ब्रांच स्ट्रक्चर कैसे, जैसे हम यहाँ पे मीथेन का ही देख रहे हैं, मीथेन का ही ब्रांच स्ट्रक्चर कैसे, जैसे तीन कार्बन हमने ऊपर रख दिए और नीचे देखिए नीचे कार्बन थे, ऐसा भी लिख सकते हैं। सो थ्री कार्बन हम ऊपर में लिख लिए, एक कार्बन नीचे, या फिर टू कार्बन ऊपर टू कार्बन नीचे, वो भी कर सकते हैं, वो भी स्ट्रक्चर अलाउ है। सो थ्री कार्बन अगर हमने ऊपर, लेकिन हाइड्रोजन काउंटिंग इज प्रॉपरली, यहाँ पे हाइड्रोजन बराबर आनी चाहिए, दैट इज H10। थ्री कार्बन जो है थ्री ऊपर के थ्री और नीचे का नीचे, और इसे प्लेस किया है, दैट इज टोटल फॉर C4H10। टू डिफरेंट स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर हमने जो यहाँ पे ब्यूटेन का दिखा है C4 मीन्स ब्यूटेन, तो इस तरीके से ये जो द फिनोमिना इन विच कंपाउंड्स हैविंग दिस डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ऐसे कंपाउंड जिसमें डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो, हैव द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म।
क्या कहा हमने, द फेनोमेना इन विच कंपाउंड हैविंग दीज डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किसका, हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जैसे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो लेकिन उसके अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं, उसे कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। जैसे कि कम से कम यहाँ पे फोर से ब्यूटेन से स्टार्ट होता है, या फिर प्रोपेन से, प्रोपेन में कम दिखता लेकिन ब्यूटेन से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं, क्योंकि वहाँ पे फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन हम इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट वे से कर सकते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रेट चेन, अभी हमने स्ट्रेट देखा एंड ब्रांच चेन देखा, क्लोज चेन्स ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन सम कार्बन कंपाउंड, कुछ कार्बन कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जहाँ पे रिंग स्ट्रक्चर या क्लोज चेन होते हैं, वेयर इट रिंग्स, एंड फॉर एग्जाम्पल द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन, दैट इज C6H12। अब कार्बन कितने हैं यहाँ पे, 6, इसलिए साइक्लोहेक्सेन एंड H12, एंड इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किस तरीके से होता है, रिंग स्ट्रक्चर में, मीन्स जो 6 कार्बन है वो रिंग के फॉर्म में अटैच होते हैं, जैसे डायग्राम में हमें दिख रहे हैं सी, जो 6 सी है जो वहाँ पे अटैच किस तरीके से है, रिंग के फॉर्म में, और उसे एक एक सी को दो दो हाइड्रोजन अटैच हो गए, मीन C6H12। ये फॉर्मूला है सिंगल बॉन्ड में है तो ये सैचुरेटेड होता है साइक्लोहेक्सेन, ये सैचुरेटेड कंपाउंड है, लेकिन अगर ये इसका ही फॉर्म, दैट इज उसके कहते हैं बेंजीन, जो डबल बॉन्ड में अटैच होता है साइक्लोहेक्सेन में, उसे जैसे कि आप देखिए 6 कार्बन को हमने रिंग फॉर्म में अटैच कर दिया, लेकिन ब्यूटीन का जो बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज C6H6। अब यहाँ पे जो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं होती, एक हाइड्रोजन, एक एक हाइड्रोजन सभी कार्बन में लेस है, इसलिए अल्टरनेट फॉर्म में डबल बॉन्ड अटैच हो जाएगा। सो बेंजीन इट इज अ साइक्लिक अंश, और इसलिए डबल बॉन्ड होने की वजह से इट इज अ साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एंड देयर आर द 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स एंड 6 मेम्ब्रेन रिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। द कंपाउंड्स हैविंग दिस कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिक इन देयर स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड, और ऐसे कंपाउंड जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिक, उनके स्ट्रक्चर यूनिक होते हुए उसे कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, जो कि यहाँ पे 6 मेंबर है लेकिन अल्टरनेटली एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ऐसे इस स्ट्रक्चर्स को कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो ये हो गए थे हमारे कार्बन कंपाउंड्स की सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फंक्शनल ग्रुप्स इन कार्बन कंपाउंड, कौन से फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं और क्या उसका यूज़ होता है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको बाय, शुक्रिया देखने के लिए, हमारे साथ अटैच होने के लिए, आप यूँ ही ऐसे ही हमारे साथ अटैच रहिए। थैंक्स अ लॉट।